अरे वहाँ कहाँ, इधर इधर इधर। हाँ तो क्या हाल चाल भाई? ओके, उससे सारे बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और चीज़ ऐसी है कुछ कि अगेन छुट्टियाँ पड़ी, अगेन तुम्हारा भाई निकल चुका है एक नई डेस्टिनेशन के लिए, निकल गया चुका है, इवन तुम्हारा भाई पहुँच चुका है। तो वेलकम टू मसूरी। अगर आप पीछे देख रहे हैं व्यू, तो व्यू देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इवन मैं अगर आपको इस तरीके से दिखाऊँ कुछ, तो ये देखिए। तो मैं ये करने वाला हूँ कि मैं अलग अलग जगह जाने वाला हूँ, अलग अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ, और कुछ अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें जो कि अभी ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे, वो चीज़ें दिखाऊंगा। और मेन चीज़ मैं अभी अलर्ट दे दूँ यार, मैं कैंपटी फॉल नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि वो कबाड़ हो चुका है जितना मुझे सुनने में आया है सब कुछ। तो मैं कैंपटी फॉल बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। टाइम क्योंकि अपने पास ज़्यादा नहीं होता है हमेशा, तो मैं एक उस चीज़ में टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। बट हर जगह जाऊँगा वो अच्छी होगी, ये पक्की चीज़ है। और मैं सोलो ट्रिप पे हूँ पहली बार, तो सपोर्ट करना यार इस चीज़ को कि सोलो ट्रिप भी अच्छी होती हैं। कई बार दोस्तों के साथ, कई बार आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हो, मेरे पास है नहीं तो मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, तो आप गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हो। और मेरा ऐसा है कि मैं पहली बार सोलो ट्रिप पे आया हूँ, क्योंकि थोड़ा यार कई बार अकेले भी एक्सप्लोर करूँ, तो इसलिए चलिए मिलते हैं आपको। तो जी हाँ भाइयों, अभी मैंने रूम ले लिया है यहाँ पे। रूम अच्छा सा ही है, दो दिन का मेरे को पड़ा है यहाँ पे 1100 रुपये। और अगर इधर उधर जाएंगे, मतलब जैसे फ्राइडे सैटरडे में भी इतना पड़ गया मेरे को, तो इट इज़ गुड कि फ्राइडे सैटरडे में पड़ गया। आप एक कोई बेटर डील ढूंढनी पड़ेगी आपको, मॉल रोड पे लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक बेटर डील ढूंढनी पड़ेगी। फिलहाल मैं ये ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको रूम का टूर दिखा देता हूँ। ये मेरा टीवी, क्योंकि उसके बाद मैं बिखेर दूंगा ना रूम, मुझे पता है। ये टीवी, ये बेड है अच्छा खासा सा, अच्छा खासा स्पेस भी है, अलमीरा वगैरह है, एंड सबसे बड़ी चीज़ यार बाथरूम में क्लीननेस है। तो भाई कुछ इस तरीके का लग रहा है तुम्हारा भाई आज। तो अभी अपन लोग चल रहे हैं कहाँ पे? अभी अपन लोग चलेंगे कुछ खाना वाना खाएंगे, फिर अपन लोग जाएंगे लाल तिब्बा। लाल तिब्बा एक जगह है, मतलब सीनिक पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है, तो वहाँ जाएंगे। और वो जैसे बोला था, ये ट्रिप बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होने वाला है, मतलब हद ज़्यादा बजट फ्रेंडली होने वाला है। तो खाना भी आपको लोकल फूड दिखाऊंगा, क्योंकि यार अगर आप बाहर आए हो, लोकल फूड इज़ गुड। कि अब बात करते हैं अभी तक के बजट की, पहुँचने से लेके अभी तक की। तो दोस्तों मैंने पहले देहरादून डिसाइड किया था, तो मैं देहरादून आया। मेरे को देहरादून में अप्रॉक्स मेरे लगे 340 मेरे लगे वहाँ पे। देन मैंने वहाँ से चेंज किया रेलवे स्टेशन के लिए, तो रेलवे स्टेशन पे मेरा लगा अराउंड 350 हो गए वहाँ पे। एंड देन मेरा फिर उसके बाद वहाँ से मसूरी के लिए मैंने बस पकड़ी, जो कि मेरी बस पड़ी मेरे को 65 की। तो ये टोटल अप्रॉक्स 420 रुपये के आसपास आप दिल्ली से मसूरी पहुंच जाते हैं। के लिए जैसे अभी मैं जा रहा हूँ क्लॉक टावर, यानी कि पुराना मॉल रोड है वो, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये तो मैंने कहा यार पुराना मॉल रोड अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो उसको आज कवर कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे पीछे आपको क्लॉक टावर दिख रहा है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ यार, देखो जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी मतलब किसी भी शहर में जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ना आप उसको एक्सप्लोर करें, उसके ओल्ड प्लेस को, क्योंकि न्यू प्लेस यार सबका कमर्शियल जैसा बना दिया है, तो न्यू प्लेस को ना एक्सप्लोर करने की जगह आप एक्सप्लोर करें उसके पुराने प्लेसेस, जैसे ओल्ड मनाली है, ओल्ड मसूरी है, ये ओल्ड मॉल रोड है, ऐसे ही उनका ओल्ड करके नाम हो जाता है, उनको एक्सप्लोर करें, तब आपको चीज़ें पता लगेंगी। दोस्तों लाल टिब्बा का पता नहीं मेरा डिब्बा बन चुका है, अब नहीं चढ़ा होगा। अबे भाई कितना ही ऊपर है, सांस फूल रही है, ओ मैन। तो भाइयों हालत खराब होगी यार, लाल टिब्बा को बुलाओ, नीचे बुलाओ उसको। दोस्तों मैं इतनी देर से चले जा रहा हूँ, कुछ कहने की हद नहीं है, मेरे को लगता है मैं 10-12 किलोमीटर चल चुका हूँ, और स्टीप चढ़ाई, और मुझे ना बंदा दिख रहा है ना बंदे की जात साला, अकेला मैं हूँ जो कि पैदल जा रहा है। इतनी मेहनत लगती है यार एक व्लॉग में, लाइक कर दिया करो थोड़ा सा, शर्म खा लो, शर्म, हाँ तुम लोग शर्म खा लो। और जो बंदे अनसब्सक्राइब कर जाते हैं ना, कर दो यार, कोई चक्कर नहीं, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा कर दो, लेट इट बी, अब सही में मत कर देना। ये देखो दोस्तों, ये देखने आया हूँ मैं इतने ऊपर। ये व्यू बना रखा है कि मतलब ये जो यहाँ से व्यू दिखता है वो कुछ इस तरीके का है, और ये जो ऊपर वाले माउंटेन्स हैं, ये दोनों ये माउंटेन्स हैं जिनमें आइसबर्ग। अब देखो सेम,
जी हाँ भाइयों, अब आते हैं अपने अपडेट पे। अपडेट ऐसा कि मतलब अभी क्या लाल तिब्बा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे भाई ने तो पे करे। देखो ऑनेस्ट रिव्यू ये कहता है आना, लाल तिब्बा आना, लेकिन जो लाल तिब्बा कैफे है सब आए हैं, सब देख रहे हैं, कुछ नहीं है भाई, जुमले हैं सारे। 50 रुपए का चूतिया कट रहा है तुम्हारा, पर हेड 50 रुपए ले रहे हैं। पता है क्या देखने है? माउंटेन जो नीचे से भी दिख रहा है, अब माउंटेन भी ऐसा नीचे से दिख रहा है, मतलब कैफे के जस्ट बगल से दिख रहा है। मैं अगर देखो, मैं अगर यहां खड़ा हूं है ना, और यहां कैफे है, तो यहां से भी सेम व्यू दिख रहा है और यहां से भी सेम, बस वो एक फ्लोर ऊपर ले जाके दिखाएंगे तो उसके 50 रुपए लग रहे हैं। तो भाइयों आज का लास्ट मतलब लास्ट वीडियो मैं यही देखने आया था, अभी मैं सो गया था एक्चुअली, फिर उसके बाद आया। देखो यार मसूरी कितना प्यारा लगता है, कितना ही ज्यादा प्यारा लगता है भाई वो। तो दोस्तों ऐसा रहा आज का दिन, अब बात जो होगी वो होगी सारी कल। और एक चीज याद रखना, मसूरी आ रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है, हद ज्यादा ठंड है, कपड़े लेके आना यार, मतलब भर के लेके आना, और बॉम्बर रखना मत भूलना। सबसे बड़ी बात है बॉम्बर होनी चाहिए आपके पास, वो आपकी ठंड को काफी हद तक बचा देती है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट ट्रबल योर मदर, बाय बाय।